वो इतना बड़ा सत्तार है, रोज पुकार के बोलो या सत्तारो या सत्तारो। ये अजीब नाम है। मौला हसन कहते हैं कि अल्लाह का ये वो नाम है कि जिससे अल्लाह ने सारे इंसानों के गुनाहों पे पर्दा डाल के उनको इज्जत दे दी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेजेस थे कि अल्लाह कैसे गुनाहों पे पर्दा, लेकिन अल्लाह हमसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहा। व्हाट्सएप सुबह उठ के मत देखो, देख के ये मत बोलो कि ये किसका मैसेज है, मैं आगे बढ़ा दूं। किसी खानदान के अपने भाई की, अपनी बहन के, अपने रिश्तेदारों के गुनाहों को मार्केट में मत लाओ। किसी मोमिन की कोई बात को मार्केट में मत लाओ। मैं क्या करूं, इतने टॉपिक्स को लेकर आया था लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ सका। कल की आखिरी मजलिस मेरी इंशाल्लाह, और आज का दिन एक अजीम गम का दिन था। घर जाके ज्यारत इमाम हसन जरूर पढ़ना। अगर आज भी तुम जाके घर जाकर न्याज दे सकते अपने घर पर, तो जरूर दो इमाम हसन की। कबाब रोटी ले लो, एक रोटी एक कबाब ही ले लो घर जाके। कितना एक दो मिनट होंगे, एक महीने तक तुम प्रोटेक्टेड रहोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और रोज इमाम हसन के नाम पे 18 सलवात पढ़ के उनको हदिया करना। इमाम हसन की न्याज हर, अच्छा बताई देता आप, 15 तारीख को इमाम हसन की दो, 3 तारीख को मौला हुसैन की दो, 8 को मौला अब्बास और 22 तारीख को छठे इमाम की। ये 4 न्याज मैंने बहुत बोला लंदन अमेरिका में और पूरा ये चला था। ये 4 न्याज अगर तुम हर घर में, कोई आपको खर्चे की बात नहीं कर रहा, एक रोटी एक कबाब घर में बनने में कितनी देर होती है। ये नहीं बोल रहा मौला कि 10 चीजें दो 1,00,000 आदमी को बुलाओ, नहीं, एक ही तुम अपनी फैमिली के साथ करो। लेकिन 4 न्याज रखो, 3 को मौला हुसैन, 8 मौला अब्बास, 15 मौला हसन एंड 22 छठे इमाम। ये 4 न्याज अगर तुम घर में दोगे, उस घर में रिस रुक ही नहीं सकता। यकीन को भी पैदा करना है। अल्लाह राजिक है लेकिन उसका रिस्क इनके जरिए बढ़ता है। बांटने वाले ये बांटने वाले, इनके सदके में अल्लाह देगा तुम्हें। बस